व्यूअर्स, ये भी कल्टीवेशन है लेकिन इस साल बारिश के कमी की वजह से लोगों ने इस खेती को कल्टीवेशन नहीं कर पाए हैं, ले गए हैं। आप देख सकते हो ये काफ़ी लोगों ने कुछ हद तक जब बारिश हुई तब तो अपना खेती में मेहनत करके थोड़ा बड़ा तो जो पेड़ी का ट्रांसप्लांटेशन वो कर लिए, लेकिन कहीं कहीं पे हो नहीं पाया है। ये बेमौसम बरसात काफ़ी हम लोग को, हम किसानों के लिए एक, ये देख सकते हैं बस थोड़ा सा बारिश हुए थे। अब उस बारिश को आशा करते हुए, क्योंकि अभी टाइम भी चला जा रहा है, तो उन लोगों को काफ़ी तकलीफ करके ड्राई में ही, ड्राई जो है खेती का ट्रांसपोर्टेशन है वो करना शुरू कर दिया है। क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं अगर जुलाई महीना चली गई तो फिर धान का जो पेड़ी का जो आपका ट्रांसप्लांटेशन होता है वो करने पर बेकार हो जाएगा, काफ़ी देर हो जाएगा। तो उन्होंने अपना खेती को रोपने का जो मन में ठान लिया है, ड्राई में ही यहाँ पे कल्टीवेशन ट्रांसप्लांटेशन करना शुरू कर दिया है। जिन्होंने अपने टाइम पे अपना खेती को पेड़ी का ट्रांसप्लांटेशन कर चुके हैं उनका हालत काफ़ी अच्छा है। आप देख सकते हैं काफ़ी हेल्दी हो चुके हैं। लेकिन आपको जब से सबसे मतलब एक अनफॉर्चुनेट का बात आपको दिखाना चाहूँगा, जो बिल्कुल ही मतलब टाइम पे हम लोगों ने किसी खेती थे, हमने सोचा कि उससे पहले कल्टीवेशन कर लेंगे, पर प्रॉब्लम ये है हेल्दी कल्टीवेशन का जो खेती है उस खेती का मालिक है ये, तो मैं उनसे कुछ पूछना चाहूँगा। तो आपका जो कल्टीवेशन का जो पीरियड है, जो आपने कब से कौन सा महीना से शुरू किया और कब तक आपने अपना खेती को फिनिशिंग दे दिया, थोड़ा हमें बताएंगे? जो जून महीना का अपना दिया 28 का ख़त्म हो गया, अभी तो एक महीना और भी हो गया, जुलाई महीना जाने का समय होने वाला है, तो इतना दिन ही हुआ है अभी, कम से कम आपका एक महीने पकड़ लीजिए कुल मिला के, हाल मार के और लगा के। दिन जून महीना अपना पेड़ी का जो ट्रांसप्लांटेशन है उसको फिनिशिंग मतलब ख़त्म कर दिया मतलब ना पहले, और ख़त्म करके भी बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जल्दी में हो गया थोड़ा, और अभी तो फिलहाल मौसम भी बहुत ख़राब है, मतलब ख़राब मतलब इतना ख़राब है, बारिश तो आने का नाम नहीं है, और इतना भी धूप हो रहा है, क्या बोलो, हमारा घर की पड़ोस का जितना भी खेती पथार है तो वो सब की सबका भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि हम लोग खेती कर नहीं पा रहे हैं अभी फ़िलहाल, ना पानी है, पानी के लिए तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, उसके लिए बहुत रुक गया, और बहुत इतना ज़्यादा आदमी का अभी प्रॉब्लम हो रहा है, क्या बोलूँ हम, मेरे बोलने वाला अभी भाषा नहीं है, लेकिन ऊपर वाला अगर रहम करे तो सबका अच्छा होगा, क्योंकि हमारा जैसे और भी कितना किसान है उसका भी थोड़ा आगे बढ़ने का तो मौका मिले। का फीडबैक जो आपने मुझे दिया और आपका ये जो एडवाइस है और जो दिलासा आपने हर किसानों को दिया है काफ़ी बहुमूल्य है, हर किसी को एक भरोसा मिलेगा, और जो अपना हिम्मत है वो हिम्मत नहीं हारेगा अपने खेती को आगे बढ़ाने के लिए, उनका खेती में ज़रूर चलते हैं। चलिए तो हम एक और खेती में जा रहे हैं जिनका दुर्दशा हुए हैं, आप खेती की परिस्थिति को देख सकते हो, और ये है आपका खेती जिसमें हम पेड़ी का जो ट्रांसप्लांटेशन है, हमने होप किया था कि अपने टाइम पे ज़रूर बारिश होगा, आज जुलाई का 20 तारीख है, तो अभी तक अगर ये पूरी तरह से जो रुपाई है वो नहीं हो पाया तो ये एक बहुत ही बड़ा अनफॉर्चुनेट का बात हो सकता है। आप देख सकते हो केवल इतना इसका बुआई हुआ है, और ये आपका ये ड्राई है, काफ़ी ड्राई है, बस पानी की कमी है,
आप देख सकते हो ये काफ़ी ड्राई है, तो इसे हमें बस एक उनका जो हालत है वो देख सकते हो। वैसे आसमान में बादल भी अच्छी तरह से छाया हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बरसात कब गिरे, उसी का हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। इन सारे नज़ारों को आप देखिए, देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, बट प्रॉब्लम है कि भारी वर्षा होने पर ही हम इस खेती को जो पेडी का ट्रांसप्लांटेशन है उसे हम कर सकेंगे, जो खरीफ क्रॉप का मेन बेस है उसे हम यहाँ इस्टेब्लिश कर पाएंगे। तो खेती का ओनर से ज़रूर मिलेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले के वीडियो क्लिप्स में बताया था। तो आइए देखते हैं। तो भैया, आपका खेती जो इतना पीछे क्यों पड़ गया, मतलब इतना लेट कैसे हो गया? तो आप होने का ये वजह है कि मुझे ये जो खारिफ क्रॉप है, जो पानी खेती बोलता है हम लोग आसाम में, उसको मतलब कल्टीवेशन करने का सिस्टम के बारे में इतना मुझे पता नहीं था। टाइम होता है उस टाइम के बारे में मुझे अच्छी तरह से ठीक से पता नहीं था, जिसकी वजह से आज ये हालत हुआ है। हालांकि उम्मीद करता हूँ कि अच्छा होगा, लेकिन मैं गवर्नमेंट ऑफ आसाम से एक बात का अपील करना चाहता हूँ कि इस तरह का परिस्थिति हर एक किसान के साथ हो सकता है, तो ऐसी परिस्थिति में एक इमीडिएट स्टेप ले सके इसके लिए सरकार की तरफ से किसानों को एक सुविधा देनी चाहिए कि उन्हें इस तरह के जब इमरजेंसी टाइम पे वाटर प्रोवाइड कर सके, इरिगेशन प्रोवाइड कर सके हर एक कल्टीवेशन में। तो ये एक स्टेप गवर्नमेंट को लेना चाहिए, जिससे कि हर किसान को एक अच्छा फ़ायदा हो और टाइम पे एक इमीडिएट और सबसे मतलब लीगल हेल्प एक मिल जाए। देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि आप चाहे 20 माइल इमारत में रहता हो, बहुत बड़ा फ्लैट में रहते हो, फिर भी आप ज़मीन के खाना खा के ही जीते हो। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक सच्चाई है। इंडिया का जो इकोनॉमी है वो एग्रीग्रियन है, इसीलिए सरकार को किसान को हेल्प करने में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और किसान की मदद इमीडिएटली करना चाहिए, क्योंकि एक किसान का अगर खेती नहीं होता है तो सारे देश खाने पीने की कमी को फेस कर सकते हैं। तो मेरा ये कहना है आप लोगों से। बात तो आपने सही कहा है, लेकिन इसके आगे में जो करना चाहते हैं आप तो चाहते हैं तो ज़रूर बताइए हमें। मैं आगे की स्टेप ये लेना चाहूँगा कि वैसे बस्ती में इतना जो इरिगेशन सिस्टम को कुछ मशीनें होते हैं, मुझे तो बस एक ही उम्मीद रहा है ऊपर वाले से, बारिश अगर वो दे तो खेती हो जाएगी, अगर बारिश ना दे तो उसकी इच्छा है। हर किसान को हार नहीं मानना चाहिए। अगर आपकी खेती में पेड़ी ना हुआ है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप कोई दूसरा फसल भी कर सकते हो। आजकल हर एक फसल में आपका अगर आपका उत्पादन सही है, आपका जो उपजाव है, मतलब आपका जो प्रोडक्शन सही है, तो आप दूसरा फसल करके भी जो उसका जो आपका लॉस हुआ है, जो आपने ये किया है, आपका जो खेती में जो पेड़ी होना था वो नहीं हो पाया है, उसका जो भरपाई है कोई और फसल से भी आप रिप्लेस कर सकते हो और उसका जो प्राइस है उसको आप रिट्राइव भी कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही कहूँगा। दर्शकों, अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। हम आपके लिए जब वीडियो बनाते हैं काफ़ी अलग अलग जगहों पे आते हैं, भाई तेल निकल जाती है यार हमारे, तो काफ़ी कष्ट होती है। तो वीडियो लाइक किए बगैर मत जाना प्लीज़। थैंक यू।